बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं डिश बनाने लगी हूँ उसका सबसे पहले मसाला आप देख लें, साबुत धनिया, गरम मसाला, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, अजवाइन, कलंजी और ये मिक्स, और छोटी इलायची भी है, बड़ी इलायची भी है, इन सब ये मसाला है। और उसके बाद मैं ये देखें लहसुन अदरक का पाउडर है, हल्दी, मिर्चे, नमक। अब इन सब को हम देखें अभी सौटे करेंगे, भून लूँगी। ये रफली से हमने फ्राई पैन रखा हुआ है मसाला, क्योंकि हम ज़्यादा मसाला नहीं खाते इसलिए लिहाजा थोड़ा ही मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये मसाला कहाँ इस्तेमाल होगा ये आगे जाके आपको पता चलता रहेगा। थोड़ा सा मैं इसको, बड़ी प्यारी खुशबू उठने लगी है मसाले की, अजवाइन की, धनिए की और ज़ीरे की। इसे थोड़ा सा भूनना है, इसे ज़्यादा नहीं भूनना, क्योंकि अगर हम ज़्यादा भूनते हैं तो फिर ये मसाला जो होता है कड़वा हो जाता है। तो लिहाजा इतना भुनना है कि बस इसकी खुशबू उठने लगे और थोड़ी सी रंगत चेंज होगी। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। हाँ जी, ये मैंने एक चम्मच घी का और दो चम्मच मैंने शायद से प्याज ब्राउन करने रखी, डार्क ब्राउन नहीं करने हैं, बस थोड़ा सा प्याज को मुरझाना है। और हमने एक तरफ उबाली है चने की दाल, मैंने एक घंटा पहले उबाल दी थी, भिगो दी थी सॉरी, और उबाल के रख ली है। देखिए अलग अलग ही, बिल्कुल इसको मिक्स नहीं करना, यानी ऐसे उबलनी है कि साबुत साबुत रहे। ये भिगोने के बाद उबाल ली पालक, धो के काट के उबाल के रख ली है, और थोड़ा थोड़ा सा इसको मैंने पीस दिया। तो देखिए प्याज इतनी मुरझा गई है, और मैं वो सारा मसाला जो मैंने तैयार किया था इस चने की दाल और पालक का, बड़ी खुशबू, बड़ी प्यारी खुशबू अभी उठेगी इंशाल्लाह इसमें से। देखिए मसाला तैयार हो रहा है, आह बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें 3 अदर टमाटर थे जो मैंने ग्राइंड करके रख लिए, ये चने की दाल का ही उबला हुआ पानी है जो मैं इस मसाले में इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखें मसाला भुन गया माशाल्लाह, मसाले पे घी आ गया। अब हम इसमें जो मैंने दाल उबाल के रखी हुई थी वो शामिल कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, ये दाल मैं बताना आपको भूल गई, एक पाव चने की दाल थी मेरे पास और 1 किलो मैंने पालक ली थी जो उबाल के पीस के रख ली है। अब ये मसाले में अच्छे तरीके से, इसमें थोड़ा सा पानी इसलिए डाला कि ये मसाला दाल में अच्छे तरीके से बस जाए। अच्छा देखिए चने की दाल भी अच्छे तरीके से मसाले में घुल मिल गई है। अब हम इसमें डालेंगे पालक, ये यकीन करें इतनी मज़ेदार सब्ज़ी तैयार होगी। एक मैंने आपके लिए पहले भी माँस की दाल और पालक बनाई थी, वो भी बहुत मज़ेदार डिश है। और पालक जब भी आप उबालें उसमें हरी मिर्च डाल दिया करें, ज़रूर उबलते हुए ज़रूर डाला करें, उससे बहुत टेस्ट आता है। इसे मिक्स कर लेते हैं। हाँ जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी ये मेरी लाल परी लाल मिर्चें डाल रही है इसमें, देखिए लाल साबुत लाल मिर्चें डाल दें, और अब हरा धनिया डाल दें हम, डाल दो थोड़ी सी गैस कम हो रही है जिस वजह से थोड़ा सा टाइम लगा है। और अब मैं इसमें डालूंगी मेरी बलाई। हाँ जी, ये देखिए बलाई डालूंगी, बड़ी प्यारी क्रीमी आपका ये डिश तैयार होगी इंशाल्लाह। की क्रीम है मिल्क पैक, जो क्रीम होती है वो है बलाई। थोड़ी सी देर हम इसको छोड़ देते हैं, फिर इसको मिक्स करेंगे, ये बहुत मज़ेदार टेस्ट देगी इंशाल्लाह। हाँ जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हमारा सालन तैयार हो गया माशाल्लाह, ज़बरदस्त किस्म का सालन तैयार हुआ है, ना ऐसा आप लोगों ने खाया होगा ना बनाया। ये आप बनाएं और खाएं, और हमारे बोलो इधर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। हमारा पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरी लाल परी कह रही है। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। वेरी गुड।
ठीक है गाइस, मेरी बच्ची की बात सुन ली आपने। अब्बा जी समीना इजाज़त चाहेगी, अगली नई डिश पे हाजिर रहेंगे। जी बोले, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे प्लीज। प्लीज 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 मेरी पोती के लिए कर देना, कर देना। फिर हम कुछ भी नहीं लाएंगे, कुछ भी नहीं बनाएंगे। यह सालन तैयार है माशाल्लाह, और ज़बरदस्त किस्म का ये आप खमीरी रोटी से खाएं या पराठे से खाएं, बहुत मज़ेदार सालन तैयार होगा। इंशाल्लाह आप भी इंजॉय करेंगे। अब बजट में इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह हाफिज़ से इंशाल्लाह।